हाँ बोल देवर। मगर भाभी। अरे बोल मेरे देवरी। मैं क्या बोलूं? अब तू अपने आप ही समझ ले। अपने आप समझ लो। अरे समझाना क्या चाहता है ये तो बता दे। भाई देख अब तेरा देवर हट्टा कट्टा सा है, बस समझ ही ले। हट्टा कट्टा हाँ वो तो है, पर समझूं क्या क्या कहना चाह रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है भाभी। क्या? ये जो पड़ोसन है ना मैडम रूबी चौधरी। ओ गड़ी मलूक है छोरी। जब मेरे बगल के कमरे में जब हलचल सी हो है ना। अच्छा। तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। अरे तो तुझे नींद क्यों नहीं आती? चुपचाप आंख मीच के सो जाया। मेरा कहने का मतलब यह है, थोड़ा तू बड़ी भाभी है तो कहने में हिचकिचाऊं, यानी कि मुझे नींद की दवाई चाहिए। मतलब तुझे नींद की गोली चाहिए। आज ही तेरे भैया तक कह के मंगवा दूंगी, चिंता मत कर। गोली नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? दवाई चाहिए। हाँ तो दवाई और गोली एक ही बात तो है। तू भाभी पढ़ी लिखी होके समझदार होके मेरी बात न समझ। देख मेरी बात सुन ले, इतना दिमाग नहीं है मेरे में, क्या कहना चाह रहा है तो साफ साफ। थोड़े दिन पहले कितना मोटा ताजा था। हाँ था बिल्कुल। देख ले कमजोर हो गया। हट्टा कट्टा एकदम। यानी कि जब आदमी को नींद नहीं आती तो उसके शरीर में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। हेलो देख ले आंखों के नीचे गड्ढे हो रहे हैं। देख ले हाँ गड्ढे तो हो रहे हैं, कुछ पहले से कमजोर भी लग रहा है। लेकिन बात क्या है? बात ये है। क्या है? और बनाते जुगाड़ भाभी। जुगाड़? अरे जुगाड़ कैसा कैसा जुगाड़? वो जुगाड़ नहीं जिसे खटखटा कहते हैं। हाँ वो चलाने वाला। आ तेरा भला हो। क्या कह रहा है तू? और बना दे जुगाड़ भाभी। ओ अब समझी तू कौन से जुगाड़ की बात कर रहा है। मतलब तेरा मन है कि मैं तेरा ब्याह करवा दूं। ओ तेरे मुंह में घी शक्कर ऐसी ला दे। ऐसी ला दे। ऐसी ना मिलेगी तुझे अब। और बना दे जुगाड़ भाभी। ओ मलंग रह। बना दे जुगाड़ भाभी देख तंग हो लिया। ओ देवरी बहुत परेशान हूँ। मर जाने देवर बिल्कुल नंग हो लिया। मर जाने देवर बिल्कुल नंग हो लिया। बिल्कुल भी यू 55 साल का हो रहा है और तू तो अभी 16 साल की भी ना हो रही।
रुकियो भाई, मैं 55 साल का हो रहा हूँ। 55 साल का लोग हो रहा है और ये छोरी देखिए भी 16 साल की। तो 27.5 की दो दिवा दे मुझे। अच्छा मतलब वो भी चाहिए? अरे तू तो वहाँ तक बात करे, मैं तो यहाँ तक जुगाड़ में हूँ। तू तो पागल हो रहा है बिल्कुल। मैं ऐसे गंजे के साथ नहीं जाऊंगी। अरे बिल्कुल बेशरम हो रहा है। और एक बात बता दूं भाभी, हाँ। अभी तक जहां हमने निशाना लगाया है, अच्छा, वो चूक के नहीं गया। ऐसी बात है, हाँ। पर पागल इतनी तो बात समझ ले, तेरी चिंता में सारे तो खोपड़ी के बाल उड़ गए। तो पागल बालों का क्या करना, छोरे की जवानी देख, जवानी। चिंता में तू भी सूखा जा रहा है, कौन तेरे पे ब्याह करेगा? अब तो जवानी भी डल गई। नहीं, अब कोई तेरे से ब्याह नहीं करेगा, मेरे बस की नहीं है तेरा ब्याह करवाना। तू एक काम करना, हाँ। तू तने घटिया, तेरी छोटी बहन है ना, अच्छा। ये रात के 3:30 पे मिस कॉल कर रही है यार। अरे ऐसा ही कर रही है तू, अभी 16 साल की ना हुई है तू, ऐसा मत करे। ओ, सूख सूख पेड़ा पेड़ा, सूख सूख पेड़ा पेड़ा, रंग हो लिया मर जाने देवर बिन कुल, रंग हो लिया मर जाने देवर बिन कुल, रंग हो लिया। और भाभी देवरी, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे इश्क का रोग लग गया है। मेरे जो बड़े भाई साहब है ना, हाँ, राम किशोर जी, अच्छा, उन्होंने 1,000 रुपए दिए हैं। तू पागल हो रहा है, वो सुन तो ले, क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? क्योंकि दो विकल्प बैठे हैं तेरे सामने, कोई सी भी देख ले, आज ना तेरा कोई खर्चा होना ना कोई बात होनी। पागल, ये तो कामदार आदमी है, काम कर रहे हैं, इसीलिए बढ़िया ब्याह हुआ इनका। अब तू तो कुछ करता ना धरता, तेरा कहां से करवाऊं? तो सुन, क्या या तो करवा दे मेरा ब्याह। नहीं करवाऊंगी अब। या तो करवा दे मेरा ब्याह, नहीं तो क्या करेगा फिर? या फिर एक काम कर ले। क्या? या फिर तू याद साझा कर ले। तेरा दिमाग खराब हो रहा है, यू चश्मे वाले तेरे भैया को पता चलेगी तो क्या होगा? पागल, आधा साझा बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। अच्छा, मैं नहीं करूंगी बिल्कुल भी। आजकल बड़ी बड़ी फैक्ट्री आधे साझे में चल रही है। अच्छा, अब तेरे साझे में ना चले कोई भी, तेरी उम्र तो खत्म होली, अब तू रंडवाई रहेगा। ना ना ना, न्यू कहा करते हैं क्या? ऐसे कहते हैं समझदार आदमी, सुना, कि मर्द का और बरद का, यानी कि बैल का, हाँ, मर्द का और बैल का, इनका ना बिगड़ता 100 साल तक कुछ भी, इन्हें तो खुराक दिए जाओ और काम लिए जाओ कितने। अच्छा, यानी कि तुझे प्यार का बुखार चढ़ गया है, इश्क का रोग लग सुन गया। तो ले, सुना, मैनू इश्क दा लगिया रो, तेनू इश्क दा लगिया रो, बचने दिन यो उम्मीद, मेरी बचने दिन यो उम्मीद, तुझको तुझको कहने लगे लो, तुझको कहने लगे लो, तेरे बचने के बोल भाभी क्यों धमका वैसे,
करा तू, जवान हो गया ना। अरे काहे का जवान हो गया, अब तुझे शर्म आनी चाहिए। नहीं हेलो, इसे कहां ले जा रहा है ना, यू तेरे लायक नहीं है। बैठ जा जवान, तू भी कहते खड़ी हो जा, बैठ जा। जी जी रुक जा, मैं भी जवान हो रही हूँ, शादी कर लेते मुझे भी। अच्छा तू भी जवान हो रही है, बैठ जा चुपचाप। आ जान दे इसे। नहीं जी जी जान दे। याना ना रहा तू देव, याना ना रहा तू देव, मनंग हो लिया बना दे जुगाड़ भाभी, मनंग हो लिया बना दे जुगाड़ भाभी, मनंग हो लिया। और मेरे देवरी मेरे पाछे पाछे आवन का कोड़ समत बल तेरा से, मन के बूझ भाभी तन सब बाता का मेरा से। मन के बूझ भाभी तन सब बाता का मेरा से। इसके कमरे में घुंघरू बजते हैं, इसके कमरे में डमरू बजते हैं, और इसके में मेरे कमरे में कुछ नहीं बजता। कुछ ना कुछ तो बजाती होगी। नहीं जी नहीं, मेरे कमरे में कुछ नहीं। अब बजेगा इसके कमरे में। हंसोगे तड़पने पे मेरे ना, फिर तुम
मैं हेर फेर की बात नहीं जानता, मैं तो सीधी सी एक बात जानता हूँ। क्या? मेरा तू जुगाड़ बिठवा दे, एक गारंटी देता हूँ, नौवे महीना लड्डू खा लिए। लड्डू तू यहाँ से जा रहा है? नहीं जा रहा है। लड्डू खा लिए, बर्फी खा लिए। मुझे नहीं खाने तेरी लड्डू तेरी बर्फी, पर तू यहाँ से चला जा। और तेरी जो बहन है ना, ये कोई बात नहीं बन सकती। ये जो तेरी बहन है, इनकी इस समय उम्र नहीं, वैलिडिटी निकल जाएगी इनकी। मेरी बहन तो कहीं और लग रही है सेटिंग में, तेरे हाथ नहाने की है वो। अच्छा चाहिए। ना ना ना, सिर्फ हाँ और ना में जवाब चाहिए। ले जवाब ना। बोल, जुगाड़ बिठाती है या मैं आप ही बिठा लूं? ना तो तेरा जुगाड़ बिठाऊंगी, ना तेरा बिठाने दूंगी। सुन, हाँ और ना में जवाब दे। हेलो, जुगाड़ बिठाती है या मैं आप ही बिठा लूं? नहीं, मतलब ना बिठावे तो मैं तो आप ही बिठा रहा हूँ जुगाड़। तू बहुत, तू मान जा, तू कह सकते। अरे दो दो ने पकड़ रहा है, दो दो ने, तेरा काम नहीं चल रहा। अब हम परंपरा ही ऐसी डाल रहे हैं, दो दो की परंपरा ऐसी डाल रहा है। हाँ। एक साथ दो चाहिए तुझे, तेरे में इतना जाथर ना, तुझे जाते खत्म कर देंगी दोनों। जब ये खत्म कर देंगी, तीसरी बचा देगी। सुन मेरी बात, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
के Oh,